कपड़ा खोल लड़की का। थैंक यू बॉस। ए, आंखों की पट्टी खोलने को बोला। ओके बॉस। मुझे किडनैप क्यों किया तुम लोगों ने? पैसा पैसा मैडम। उसे फोन किया क्या? हाँ, थोड़ी देर में वो पहुंच रहा है। सुपारी देने वाले को आने तक हम सब मिलकर इसका हाथ साफ कर ले क्या? अपना फ्लैशबैक बता। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो हमारे घर भी आया था। मैंने सोचा वो भी मुझसे प्यार करता है, तब मुझे पता चला कि वो हमारे घर मेरी माँ से मिलने आया था। माँ से मिलने आया था? ये कहानी 3 महीने पहले ज्यूरिक में शुरू हुई थी। अब वो कहाँ है? स्विस में है। स्विस कहाँ है? यूरोप में। अब वो कहाँ है? तुम्हें उसकी ज्योग्राफी चाहिए या मेरी हिस्ट्री चाहिए? आगे क्या हुआ? वहाँ चंद्र नाम की एक फैमिली है, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके प्रोप्राइटर हैं शरद चंद्र। उनके पास बेशुमार दौलत है। बेशुमार बोले तो? लाखों करोड़। लाखों करोड़? उस बुढ़े से तूने प्यार किया? उनके पोते से प्यार किया। आपको IFS मिला? वो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है ना? वो इस कंपनी का 7% शेयर होल्डर है। उस कंपनी को प्रवीण शेट्टी नाम के एक शख्स ने खरीद लिया है। उसे क्या चाहिए? वो चेयर पापा। उस चेयर की कीमत मात्र 50 यूरो है, लेकिन मेरे बैठने के कारण अब उसकी कीमत करोड़ों यूरो है। और इसीलिए पापा वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो हमारी कंपनी के शेयर्स जहां जहां उसे मिल रहे हैं उसे मुंह मांगा दाम देकर खरीद रहा है। वो जो बेचना नहीं चाहते उन्हें धमका कर खरीद रहा है। वो चाहे जो भी कर ले, हम अपनी फैमिली के नाम का 60% शेयर किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। 40% पापा, 20% आपकी बेटी सरस्वती का है। 25 सालों में कभी उसने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की और कभी कंपनी के ओनरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं किया। ये जानकर ही हमसे 1% ज्यादा ओनरशिप के लिए वो तड़प रहा है। उसे ये डिटेल्स कैसे पता चला? हमारी फैमिली के बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है पापा। इस फैमिली की हर खबर दुनिया को हमसे पहले पता चल जाती है। उसे बुलाकर बात करो। उसका अपना एक यॉट है और वो हमेशा उसी में रहता है। किसी का फोन रिसीव नहीं करता है और ना ही कोई मीटिंग अटेंड करता है। मतलब अपने साम्राज्य में ही रहता है। फेयर इनफ। तो फिर मेरा पोता भार्गव वहां जाएगा। उसका सामना करना इतना आसान भी नहीं है। आर्मी से वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स डेडली वेपन्स के साथ उसे गार्ड करते हैं। वेपन्स मतलब हथियार। सिर्फ हथियार रखने वाला ही योद्धा नहीं होता है, बल्कि शत्रु का नाश करने वाला असली योद्धा होता है। मेरा पोता भार्गव चंद्र सिर्फ योद्धा ही नहीं, अपने आप में एक सेना है। पर मेरे ख्याल से दिस मीटिंग इज ओवर। Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Ah!
फेंको, जल्दी कराओ, जल्दी पोजीशन। ए यू, हिलना मत, पीछे मुड़ो, अपने हाथ ऊपर करो, स्टैंड बैक, जल्दी। Don't move! आगे बढ़ो! चलो अपने हाथ ऊपर करो! अपने सिगरेट फेंको! On your knees! Now! Fire! लगता है तुझे मालूम नहीं है इसलिए तूने मेरा किडनैप किया है, बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। किसी को पता नहीं चले ऐसे हमारे कंपनी के शेयर्स बिना बताए खरीदने वाले को सही क्या है गलत क्या है पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी के शेयर्स क्यों चाहिए? इस काम से मुझे कुर्सी मिलेगी। इतना जिंदगी से प्यार करता है तो ऐसा काम क्यों करता है? यह निशाना चूकने वाली बुलेट नहीं है। एक इंच ऊपर लगती तो पैर जाता, उससे ऊपर लगती तो तू नहीं रहता। तुझे समझाने के लिए मैं लंबे लंबे फिल्मी डायलॉग नहीं मारना चाहता हूँ, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। प्यार से दी हुई वार्निंग को लाइट ले लेने की भूल मत करना। मेरे चेहरे की स्माइल से ज्यादा मेरी बातों की मीनिंग को समझ लो। मेरी फैमिली के बीच अगर तू आया, तुझे तेरे ही तरीके से समझाता हूँ। तू जिस भी हद तक जाएगा उससे हमेशा 10 गुना ज्यादा मैं जाऊंगा। बुजुर्गों ने एक बात कही है, दो निवाला खाने के लिए, दो घूंट पानी पीने के लिए, खाट भर की जगह काफी है आराम से रहने के लिए। गलत बात नहीं है। फॉलो मी। तुम्हारा कहना है कि सुख और संतोष पाने के लिए वेट करना पड़ता है। गुड, वेट करूंगा फिर भी नहीं मिलेगा, जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक नहीं मिलेगा। भार्गव, भार्गव। दादा, जानते हो मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी बेटी, दामाद, उनके बच्चे मेरे साथ यहाँ बैठकर खाना खाएं और उनकी हंसी से ये घर खिलखिला उठे। इसी तमन्ना को अपने दिल में बसाए 25 साल गुजर गए। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कहते हैं आदमी बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है और बच्चे माँ बाप बन जाते हैं। मुझे अपने बच्चे को देखना है। अब 3 महीने बाद ही मेरी उम्र 75 साल की हो जाएगी। तू मेरे जन्मदिन पर अपनी बुआ को ले आएगा क्या? मेरी बच्ची को ले आएगा क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? खानदान पर लगे धब्बे को इतनी आसानी से भुला देंगे? हाँ, आप भुला सकते हैं, हम नहीं।
उसे नहीं ला सकता ये। आपने निकाला है तो ये कैसे लाएगा? यहाँ आखिर उसे कमी ही क्या थी जो छोड़कर चली गई? बरसों से तराशी हुई मूर्ति को बिगाड़ने के लिए एक हथौड़े की गलत चोट ही काफी है। वैसे ही इंसान की एक छोटी सी गलती रिश्ते बिगाड़ देती है। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने शादी की, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। आज मेरा दिल चाहता है कि वो यहाँ आए तो उसे लेकर आओ। आपकी जिद को पूरा करने के लिए हम उसके पैरों में नहीं गिर सकते पापा। जमीन पर भूकंप कैसे आया, कहाँ आया, ये बात हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। उसी तरह एक फैमिली में मन मुटाव आने की वजह सिर्फ यही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं पापा। ऑफ कोर्स, कहते हैं इज्जत से ब्याही गई लड़की कुल की शान होती है, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं है। वो इस घर को छोड़कर गई है, कैसे आ सकती है वो? हर साल उसके जन्मदिन और त्योहारों में उसके लिए गहने कपड़े हम खरीद कर भिजवाते रहे, लेकिन वो हमेशा लौटाती है। उस बेइज्जती का दर्द हम सह नहीं पाए, इसीलिए वो गांव देश छोड़कर निकली है। मैं खड़ा हो गया। संभाल। दादा, तू अपनी बुआ को ले आएगा ना? हाँ, लाऊंगा। इसने जुबान दिया है तो ये हर हाल में लेकर आएगा। वेलकम सर। बैंगलोर यही है सर। पहले इसका नाम बेंद कलूर था सर। मुझे तो सर ये आपके बुआ की रिसेंट फोटो है सर। नाम सरस्वती है लेकिन दुर्गा से भी ज्यादा पावरफुल है। ये आपके फूफा है, ये भी कोई डायनामाइट से कम नहीं है। जिंदगी में स्ट्रगल बहुत किया है सर, इसीलिए बहुत सुलझे हुए हैं। इन दोनों को अगर मिलाकर कहूँ तो आपके फूफा कोर्ट में वकील है और बुआ घर में जज। इनकी तीन बेटियां हैं और तीनों। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ जानते हो, ज्यादा इंप्रेस करने की जरूरत नहीं सर। आप जितना जानना चाहेंगे मैं उतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है किसे पता है, अभी अभी तो आए हैं। नेक्स्ट क्या है जानने के लिए मेरे साथ रहना है या नहीं? सॉरी सर। बुआ का घर कहाँ है? सर बुआ का घर जयनगर में है सर, लेकिन फूफा हैदराबाद से चेकआउट होकर अभी पहुंचे, वो जा रहे हैं सर। रिसीव करने कौन आए? एक नई टीम रेडी की है सर। नारायण सर, एक गाड़ी तैयार रखो। चॉपर रेडी है सर। रोड पर चॉपर से जाऊं क्या? सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, ये मेरी कार है। क्या दाम क्या है इसका? 80 लाख। नारायण सर, इन्हें चेक दे दो। अरे अरे, अमेरिकन एक्सप्रेस चेक इक्वल टू कैश। कैश मिल गया तो गाड़ी दे दूंगा क्या? नहीं तो क्या वार्निंग तो तब दोगे? टैक्सी। थैंक यू। क्या हुआ सर? हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और 10 मिनट वेट करेंगे तो सीधा ऊपर का सफर। आपकी बुआ आप पर इल्जाम लगाएगी, तो सोचिए सर, वक्त इस वक्त आपके साथ चल रहा है। व्हाट डू यू से सर? थैंक यू सर। देखिए चक्रपाणी जी, आपका कर्ज चुकाने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अब और कितने दिन चाहिए सरस्वती? जब पत्थर का नंदी घास चरने जाएगा तब दोगी? हाँ? इस तरह आंखें लाल करके क्या देख रही हो तुम? आंखें मेरी भी हैं। अगर एक छोटा पैग लगा लिया तो तुमसे ज्यादा लाल हो जाएंगी। आई थिंक वी नीड टू हैव सम डिग्निटी हियर। एक बात बताओ सरस्वती, जब तुम उधार मांगने आई थी तब मुझे इतने करोड़ दे दो, मैं तुम्हें जल्दी ही पैसा चुका दूंगी, बड़े प्यार से बात कर रही थी तुम। और जब मैं तुमसे उधार वापस मांग रहा हूँ तो इंग्लिश झाड़ना चालू कर दिया। मैडम, मालिक को जॉन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उन्हें हार्ट अटैक आया है मैडम। मंदिर के बाहर चप्पल छोड़कर जाते हैं तो भी किसी को कहकर जाते हैं,
ये मोहतरमा तो बिना कुछ कहे ही उठकर चली गई। अरे सरस्वती, मैं तुझे कर्जा देकर क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाता हूँ? कोई बात नहीं, सिद्धि विनायक जाके मन्नत पूरी करके आता हूँ, फिर सही वक्त देख के खून के आंसू रुलाऊंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इससे भी बड़ा हॉस्पिटल है, अगर उन्हें वहाँ ले जाते तो क्या बिगड़ जाता। मैडम, 2 किलोमीटर की दूरी पर शमशान भी है। हार्ट अटैक आने पर फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। यू बेटर थैंक हिम। ये क्या तरीका, सोचा था कि उनके सुहाग की रक्षा की तो आपको थैंक्स कहेंगे, अरे वो तो भड़क ही गई। अगर वो इतनी समझदार होती तो मुझे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रकाश, मुझे यहाँ किसने एडमिट करवाया? स्वामी। मैडम, ड्राइवर से कहो गाड़ी में जो ब्रीफकेस है वो लेकर आए, उसमें से 1 लाख रुपए देकर उसे कहो कि यहाँ से चला जाए। ठीक है मैडम। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुम धन दौलत सब कुछ छोड़कर चली आई थी, आज मेरी जिसने जान बचाई है तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? सुनो सरस्वती, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने हूं, अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हेलो, तुम्हें बुला रहे हैं। सर ये तो आपका नंबर। रिसीव कर, अंदर जो भी बात होगी सुन लेना। यस सर। अगर कोई भी बात मिस हो गई तो तू अपने आप को मिस करेगा। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? ये टैबलेट्स देते रहना। ओके डॉक्टर। सॉरी सर, चंदू है सर। क्या काम करते हो? एम्बुलेंस ड्राइवर को बोल दिया है? हाँ बोल दिया है सर। ड्राइवर सर, यहाँ से पहले कुबेर के यहाँ ड्राइविंग करते थे क्या? जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो दुबई में है। दुबई में मैं शेख के यहाँ ड्राइविंग करता था, लेकिन अब वो छोड़कर यहाँ आया। तुमने खुद छोड़ा या निकाल दिए गए? निकाल दिया सर। लेकिन क्यों? ये नया केस कौन सा है? पानी में गिने का कैसे सर? सर वो दुबई की जो शेख है ना, उनकी बीवी पानी में डूब रही थी और मैंने उसे बचाया। तो दुबई में तो पूरा रेगिस्तान है, वहाँ कहाँ पर डूब रही थी वो? स्विमिंग पूल में सर। तैरना नहीं आता था तो वहाँ गई क्यों? सीखने के लिए सर। अच्छा ठीक है, वो सब जाने दो, तुम्हें वहाँ से निकाला क्यों गया? सर वो दुबई में औरतों को उनके पति के अलावा कोई देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, और मैंने वो सब किया। ये दुबई में ही क्यों भाई, पूरे संसार में ऐसा है। कानून की नजर में वो गलत है सर, इसलिए मैं वहाँ नहीं रह सकता। तो वो जो दुबई के शेख थे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम अपनी कंट्री वापस चले जाओ, और एक अच्छी खासी रकम देकर मुझे वापस भेज दिया। तुम एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो? हम दोनों के समझ में आ जाए इसलिए। जस्ट अ मिनट, ये सूटकेस अंदर ले जाकर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तक तू कहाँ था, ऐसा एक छोटा डायलॉग मिलेगा। ये सूटकेस अगर हमें दोगे तो तुम्हें आने जाने के लिए 80 लाख की कार मिलेगी। ये लीजिए। ये तुम लेकर क्यों आए? हमारा ड्राइवर कहाँ गया? 80 लाख की गाड़ी का क्लीनर बन के रहूंगा लेकिन 60 लाख की गाड़ी का ड्राइवर नहीं रहूंगा। अब ये बोल के देके चला गया। पर तुम कौन हो? उस बेड का पेशेंट हूँ। आराम मिला सर। आप कभी बाप नहीं बन सकते। एक दर्जन पहले पैदा कर चुका हूँ। इसने सही वक्त पर वहाँ से नौकरी छोड़ दी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। बिना नौकरी के भटकने वाले एक ड्राइवर को आप सहारा दे रहे हैं सर, मुझे आपकी नौकरी मंजूर है। दूसरों को सहारा देने वाला इंसान आज सहारा मांग रहा है। वो कौन है क्या है ये जाने बिना नौकरी पर रखना सही नहीं होगा मैडम। स्वामी सॉरी मैडम। सैलरी कितना लोगे? क्या उनकी सैलरी देने के लिए रिजर्व बैंक को डे नाइट नोट प्रिंट करने पड़ेंगे? कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। Thank you.
महाराज, इन नर्तकियों का नृत्य देखने के लिए सिंहासन का प्रबंध करूं क्या? अवश्य करो। क्यों? ऐसी क्या खासियत है इनमें? क्लासिकल, तारीफ करने में क्या गुना है? तो फिर मैं भरतनाट्यम करके दिखाऊं क्या? आंखें नीचे करो, जवान लड़कियां हैं। बुरा मत मानिए सर, लड़कियों को इसीलिए पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि वो लड़कों पर प्रेशर डाल सके। सच तो ये है कि भक्तों की वजह से ही भगवान की वैल्यू है, वैसे लड़कों की वजह से लड़कियों की वैल्यू है। One minute, can I help you? अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा भी डर नहीं है? ये डर को ही पाल पाल कर इंसान शादी कर लेता है, उसके बाद लड़कियां तो जिंदगी भर ऐश करती हैं और लड़का जिंदगी भर आंसू बहाता है। करेक्ट है ना? आप चंदू नाम है मेरा। नाइस मीटिंग यू चंदू। क्या बिटिया रानी, तुम भी ड्राइवर से हाथ मिला रही हो? सर, तुझे यहाँ लाया गया है सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने के लिए, समझा? दैट्स ओके चंदू। मैडम आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। देखा मैंने। इस डांस के आगे तो वो सैल्सा, रैप डांस सब वेस्ट है मैडम, वेस्ट। और आपकी जो आईब्रोज है ना, वो बहुत ही कमाल की है। और जिस तरह से वो हिल रही थी ना, पट 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 पट, ऐसा लग रहा था कि किसी का हार्ट बीट मिस हो जाएगा एकदम। गारंटी मैडम, गारंटी। तुम सच में ड्राइवर हो? और क्या, दुबई रिटर्न है। See you around. Sure. नीचे नीचे देखो। ये लो। ये क्या है? बेल है। मैडम के दो बार बजाते ही तुम्हें वहाँ हाजिर होना है। ओ, तीन चार बार बजाई तो? फिर तुम गए काम से। आप ठीक तो हैं? हाथ देकर उठाओ, उठाओ, उठाओ। क्या हुआ? ड्राइवर का हाथ है सर, छी, शर्म की बात है। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। देखते हैं। All the best. हाँ, वो लिस्ट के हिसाब से सारी तैयारी हो रही है। थैंक यू। हाँ लाओ, यहाँ रख दो। अरे स्वामी, ये कौन है? नया कार ड्राइवर। ओहो, मेरे भैया को तुमने ही हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना? हाइट तो देखो, बास्केटबॉल प्लेयर की तरह है। इसका मतलब इससे हम टेरेस का टैंक भी साफ करवा सकते हैं। ये क्या भाई साहब, पंडित जी बने हुए हैं, कोई खास बात है क्या? भैया के ठीक होने पर पूजा करवाएंगी, ऐसी मन्नत मांगी थी हमारी घर की औरतों ने, उसी की तैयारी चल रही है। ओहो, वेरी गुड। और क्या मंगवाना है, लिस्ट मुझे दे दो। ये पूजा का है और ये नैवेद्य का है। पूजा की लिस्ट से तो नैवेद्य की लिस्ट बड़ी है। शक्कर, शक्कर किचन में है। सूजी, स्टोर रूम में है। क्या है भाई, आइटम लग रहा हूँ क्या मैं? चेहरा क्या देख रहे हो? चलो जाओ, सूजी लेकर आओ। कहाँ है सर? वहाँ ऊपर रूम में। शक्कर किचन में है, सूजी अभी लेने गया है। जी, कितनी भी एक्सरसाइज करो, ये रस फिट ही नहीं आती। थैंक यू। क्या हुआ? इसे मेरे रूम में किसने
जा। मैडम के रूम में जाने के लिए किसने कहा तुम्हें? आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं है सर? आपने तो कहा था उस कमरे में जाकर सूजी लेकर आओ। अरे मैं जिधर उंगली उठाऊं तू चला जाएगा, मैं चांद की तरफ उंगली उठाता हूँ तू जाके दिखा। ये क्या चिल्ला की बताने वाली बात है, थू बेशरम। ए गलती उसने की है, शर्म मैं क्यों करूं? दिखने में तो डिसेंट लगते हो, तो ऐसी गलती क्यों की तुमने? मैं तो अब तक जानता था कि जिप को खोला तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिप बंद करने में प्रॉब्लम होता है ये नहीं जानता था। अगर आप सबको ये बात बुरी लगी है तो मैं इसे सुधार देता हूँ। कैसे? देखिए ऐसे। घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, सरासर दुशासन है। अरे सर, चल तू इधर आ, इधर आ, मेरे साथ तो सुनिए सर। क्या हुआ स्वामी, क्या बात है? वो सर, वो आपकी दूसरी बेटी, उसकी जिप, छी छी, मुझे शर्म आ रही है, कैसे बताऊं? सर, सर इसे यहाँ से निकाल दीजिए, ये यहाँ रहने लायक ही नहीं है सर। कौन किस लायक है ये बात मैं जानता हूँ स्वामी। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए सर, लेकिन इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा सरस्वती ही इस बात का फैसला करेगी, ये मेरा फैसला है। टैंक फुल करवा दो। हाय, हेलो। कौन हो भाई, पहचाना नहीं तुम्हें? नर्स लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। हम लोग तो सोच रहे थे कि कोई लेडी नर्स आएगी, लेकिन तुम आ गए। सेवा करने के लिए जितनी नर्स आई थी उन सबको आपने डबल कर दिया, इसलिए यहाँ मुझे भेजा गया है। मेरा आना अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, अपसेट हो गए? ये लीजिए। थैंक यू। ओह शिट। अरे आंटी, आपने इसे डब्बे में रखने की बजाय खुला रखा है, शिट। देखिए, खाना बनाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना, और दोपहर में अंडे का व्हाइट ऑमलेट बनाना, और कुकिंग के किसी भी चीज में बीटरूट मिस नहीं करना, क्योंकि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और तुम्हारे लिए क्या बना? अभी जो मैंने बताया मेरे लिए था। पेशेंट को क्या चाहिए उससे पूछो ना, मुझे क्या पता। Funny guys, मुझे क्या चाहिए पूछते ये तेरी कौन सी स्टाइल है भाई? हाथ हटा। तू कोई बहुत बड़ा बिग बॉस है क्या? पैर कहाँ रखा है तूने? वाह, बहुत बड़ा हीरो समझता है। ए, एक ड्राइवर की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ये नहीं पता तुझे? स्क्रू ड्राइवर को छोड़कर बाकी सभी ड्राइवर यही है सर। अरे ड्राइवर नहीं, ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज। उसके लिए एक शोरील तैयार किया है सर। सर, ट्रक ड्राइवर का रोल डॉक्टर राजकुमार। बस ड्राइवर के रूप में डॉक्टर विष्णुवर्धन। डबल स्टार अमरीश सर, कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनते, सबसे अलग है सर। देख, ये सर, ये सिर्फ आपकी तरह दिखता है, रंग है ऐसे सेल्सी। नाम है किच्चा। किच्चा? आप चाहे जो समझ लीजिए सर। इस किच्चा को मैं फॉलो करूंगा, मैंने तुझे इसलिए रखा है कि तू मुझे फॉलो करे, मैं तुझे नहीं। बताइए मैं क्या करूं सर? कुछ मत करो, आइस बॉक्स लेकर आओ। ओके सर। कैसे कैसे को पाल रखा है मैंने सर। आपकी बुआ की सोच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है सर? हाँ, मुझे रोज अपनी गोदी में बिठाकर खाना खिलाती हैं। मैं सवेरे नहाया हूँ कि नहीं, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से जूते पहने हैं, ये सब देखती हैं। अरे मेरी बुआ को तो मेरी तरफ देखने तक का टाइम नहीं है। क्या खाक होगा डेवलपमेंट। ऐसी नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, आप ये नौकरी छोड़ दो सर। मुझे छोड़ दो सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नारायण सर, हॉस्पिटल से घर आए हमारे फूफा को, जब ये पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए तो वो उसी रूट से हॉस्पिटल वापस जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे सर। सही कहा ना? जी सर। फिर बुआ हमारे घर आएगी क्या? कैसे आएंगे सर? तो अब हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं उसे पूरा करने के लिए उनके घर में प्यार से एंट्री लेनी चाहिए कि लेनी चाहिए सर? उसके लिए ड्राइवर बनने से बेटर आइडिया है? नो वे सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे जा नहीं जा रहा है। देखो भाई, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। प्यार जीतने के लिए कितना भी झुक सकते हैं। सर, इस सिचुएशन में डायलॉग सूट नहीं कर रहा सर। तेरे पर भी ये कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं, निकाल दूं क्या? सॉरी सर।
बीच बीच में बेकार सवाल मत करना। ठीक है सर। क्या मत करना? सवाल मत करना। चल साहब को अकेला छोड़ चल। सर कुछ गंदा लगा है यहाँ पे। ये उसके पैरों में झुककर क्या कर रहा है? लगता है ले आया। क्या इरादा है सर? देखता हूँ। चोरी के आईने में भी चेहरा दिखता है। नारायण बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये सब? सच्चाई ये, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, सरस्वती का भतीजा हूँ। स्पेन में हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। दादा के साथ झगड़ा करके वो घर छोड़ाई। मैं उन्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। मतलब उनकी बड़ी लड़की इंदिरा को तुम पसंद करते हो और तुम उसे शादी भी करना चाहते हो, है ना? जरा सुनो, मैं भी कोई नर्स नहीं हूँ। मेरे बाप की भी एक बड़ी सी आयरन की दुकान है। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर लंदन क्वीन के कपड़े तक मेरे पापा की दुकान में आयरन होते हैं। मुझे उनकी दूसरी लड़की रुक्मिणी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके घर पे आया हूँ। वाओ, कौवा भी कहाँ चोंच मार रहा है। क्या कहा तुमने? कोइंसिडेंस। तुम दोनों उनके दामाद बन गए तो जॉनसन एंड जॉनसन की तरह आयरन एंड आयरन का खिताब मिल जाएगा। उन दोनों लड़कियों की जोड़ी सिर्फ तुम दोनों के साथ अच्छी लगेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस बंद करो, आयरन स्टील के नाम का खिताब मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे मिलेगा नहीं, तुम ड्रॉप करोगे, आंटी झाड़ू लगवाएगी, दूसरा देखता रहेगा, इन सबको बिल्टअप दोगे, साथ में बैंड सेट टीम अलग से। ओए, ड्यूटी का टाइम हो गया, चल बात करते हैं। ये ऐसे कैसे चला गया? सच्चाई नारियल पानी की तरह है और झूठ कोल्ड ड्रिंक्स की तरह है, और हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं, समझ गए? अरे ड्यूटी का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। मॉर्निंग मैम। वो कल के बाद के लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली वो स्वामी सर ने मुझे थोड़ा मिसगाइड कर दिया। तुम कौन? ड्राइवर चंदू। देखो चंदू, अगर कोई चेयर पुरानी हो जाए तो उसकी फोटो लेकर, उसका फ्रेम बनाकर रोजाना उसे देखने से उसमें अचानक किसी दिन जान आ जाएगी, ऐसा कोई सोचता है क्या? चेयर पर बैठ सकते हैं ना, उसमें कोई जान थोड़े डाल सकते। मानते हो ना? हाँ। मेरे लिए तुम भी वैसे ही हो। ये टेबल, चेयर, ड्राइवर, काम वाले, ऑल आर इक्वल। इन सब के पीछे मैं अपना दिमाग खराब करूं तो कैसे चलेगा? हाँ चलो अब जाओ, जाओ अपना काम देखो, जाओ चलो जाओ। छोटी चाची, गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा। गीजर खराब हो गया है बेटा, मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए ना। तैयार है, आकर ले जाओ। मैं टावर में हूँ चाची। हम लोग काम कर रहे हैं। छी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, पति एक बकेट पानी तो ला देगा। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बकेट नीचे था और आप यहाँ चिल्ला रही थी। बड़ों ने कहा है जहाँ तुम काम करते हो वहाँ हर काम में हाथ बटाना चाहिए। दिखने में ही पक्के चोर लगते हो, मेरे डैडी ने तुम्हें काम देकर गलती की। एक्चुअली मैं एक 3D फिल्म की तरह सोच रहा हूँ। मतलब आप इन आंखों से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिल की नजर से देखोगे तो सब बात समझ जाओगे। एक लड़की को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? देखिए मैडम, उधर वो नल, इधर वो बकेट, ब्रश व्रश, सब आपको नहाते हुए देख रहे हैं ना। मैं भी उन्हीं की तरह एक ड्राइवर हूँ, ये तो आप ही ने कहा था ना अपनी जुबान से। चलिए मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, आप तब तक नहा लीजिए, पानी की जरूरत पड़ी तो और ले आऊंगा। मुझे चैलेंज कर रहे हो? अभी नहा के दिखा दी। रहने दो मैडम, वैसे आप मेरे सामने आराम से नहा लोगी, लेकिन मुझे आप जैसी लड़की को देखने का कोई शौक नहीं। आप तो एकदम भले चंगे थे, अचानक क्या हो गया? उस दिन दोपहर को मैं कुछ नर्वस सा लग रहा था और साथ में जर्नी भी कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सीने में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद गैस प्रॉब्लम होगी तो मैंने इनो पी लिया। उसके बाद ड्राइव करते समय लेफ्ट साइड में मेरे जोर से दर्द उठा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लगा मैं मर जाऊंगा। उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए। मैं सोच रहा था मैं भगवान को कोसूं या प्रार्थना करूं कि आखिर मुझे इस तरह तड़पा क्यों रहे हो, पर मैं बेबस था। एक सेकंड में मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई, लगा जिंदगी खिसकती जा रही है। अपनी बीवी, बच्चे और परिवार के सभी लोगों को मैं मिस कर रहा था। सोच रहा था हमारे घर में अब तक कोई शुभ कार्य नहीं हुआ है, क्या मैं उससे पहले ही मर जाऊंगा? ऐसे वक्त में ही आपको अपनों की कीमत का पता चलता है। अगर आप सच्चे हो तो ऊपर वाला आपकी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज ही देता है, और ऐसा ही हुआ। मैं बस दुआ कर रहा था कि मेरी फैमिली के खाते मेरे दिल की धड़कनें अभी ना रुकें, और ऊपर वाले ने फरिश्ता भेज दिया। ग्लास तोड़कर एम्बुलेंस पे डालकर मुझे एडमिट करवाया,
और मेरी जान बचा ली। थैंक यू। इससे बढ़कर और मैं क्या कहूं। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो वो जरूर तुम्हारा एक मंदिर बनवा देती। मम्मी, ऐसे में आपके मायके वाले क्या करते? अब मेरा वहां कोई भी नहीं है, सब मर चुके हैं। सुनो, बाजू के रोड में पान बीड़ी की शॉप है, वहां जाकर अंकल को मेरा नाम बोल दो, सिगरेट दे देंगे, तुम लेकर आना। आंटी, ये तो पूरा पैकेट लाना और अपने लिए एक चॉकलेट लेना। सिगरेट चाहिए तो ले लेना, कॉफी चाय जो चाहिए पी लेना। मेरे घर में चाय लाने के लिए एक आदमी है, उसे देने के लिए दूसरा आदमी है, और मैं तेरे जैसे भिखारी के लिए चाय लाऊं? भाई, मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया था। घर में अलार्म बंद करने के लिए भी एक आदमी है और तुम मुझसे काम करवाएगा? ये क्या है? वो क्या है? ये तेरा है? ये नहीं, मैं अमेरिकन कॉफी पीऊंगा, फिल्टर कॉफी पीऊंगा, ब्लैक कॉफी पीऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है, और इसीलिए मैंने दुकान खोल रखी है। देख देख, इधर आ। जब ये घर वाले मुझे सब्जी लाने को कहते हैं, बीन्स लाने को कहते हैं, नारियल लाने को कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए ये गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। और तू मुझे देख लिया सर, कौन सी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, किसमें डीजल डालना है मुझे नहीं पता, इसलिए इनको रखा है। मेरे ड्राइवर बनने के काम के लिए मैंने इतने लोगों को रखा है और तू मुझसे काम करवाएगा? आप क्या है ये मुझे नहीं पता सर, आप ही बताइए सर। इस गरीब को एक सेलफोन मिल गया तो मालिक का है ये पता लगा कर ढूंढ सकता हूँ ना सर। उल्टा घड़ा भरना चाहो तो कभी नहीं भरता। शादी के बाद तो भरेगा ना सर। नहीं सर। ये सारे लोग है ना, किस बात की सैलरी पाते हैं? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया? You are right, sir. पहले गन से बात करते थे आप, आजकल हाथ से बात करते हैं। गुस्से पे थोड़ा और कंट्रोल करेंगे तो मुंह से बात कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी जरा सॉफ्टली ट्रीट कीजिए। एक काम करो। बोलिए सर। इसे कुछ पैसे देकर छोड़ दो। ठीक है सर। जल्दी लाओ। सारे के सारे दे दो। 10 लाख है सर, अटैक आ जाएगा इसे। ओके सर। अरे वाह वाह वाह, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा सर। हाँ ठीक है ठीक है, चल जा जा जा। क्या बात है। नारायण सर, इसकी चाबी क्या की? इधर ला। इसे सर ओपन करके देंगे सर। अमेरिका में रहकर बैंगलोर का एक बैंक लूटने वाले के हाथों में 10 लाख का सूटकेस दिया तो पूछ रहे इसकी चाबी कहाँ है। खोलने के लिए चाबी तो लगती है ना। नारायण सर, तुमने सही कहा था, अगर ये इतना कैश देखेगा तो बेचारा शॉक हो जाएगा, इसलिए तू ये रख। नारायण सर, वो किस्मत में ना हो तो निवाला भी छिन जाता है, इतना बहुत है, चल निकल ले। मुझे वो भी चाहिए सर। ये भी जाएगा भी। ये तो रहने दो। यो भाई, होटल का ऑनर कोई बुढ़ा इंसान होगा ये समझा था, ये तो 16 बरस की निकली। देने वाले तो मुझ जैसे ही होते हैं सरस्वती, लेकिन वसूलने वाले कैसे कैसे हो कैसे पता? मैंने कब कहा कि कर्जा नहीं चुकाऊंगी? कैसे चुकाएगी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जल्दी ही टाइप करने वाली हूँ, अगर वो ओके हो गया तो मिनिमम 40% ऑक्यूपेंसी होगी। वो तो नहीं होगा, सिंपल। कल ही मैं इस होटल में रेड मारकर कॉल गर्ल्स को पकड़ूंगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना? अब जरा तुम ही सोचो सरस्वती, दूध पीते बछड़े के मुंह में भी उंगली डालोगी तो वो काटेगा। अब मेरे जैसा आदमी जिससे तुमने इतना कर्जा लिया है उसने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, बताओ कभी काटा? मंत्री जी, इनका सारा कर्जा मैं माफ कर देता हूँ और ऊपर से 25 लाख और देता हूँ, बस ये होटल मेरे नाम करवा दो तो हिसाब बराबर। इससे सिंपल हिसाब और क्या हो सकता है मंत्री जी? मेरे हिसाब से ये भी सिंपल हिसाब है। ये बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है, इसलिए इसे गुस्सा भी कभी कभार ही आता है, लेकिन जब भी इसे गुस्सा आता है ये सामने वाले की खोपड़ी उड़ा देता है। अब जरा तुम ही सोचो मंत्री जी, हम भगवान से कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता तो उसे बुरा भला कहते हैं, ऐसे में हमने जो हमारा माल दिया है अगर वही ना मिले तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? Thank you.
they call him Ranna. He is a chinna. No one to match him. Yo, 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 yo. तुम लोगों के बीच यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूछूंगा भी नहीं, लेकिन जब उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए देखा तो कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। ए, कौन है बे तू? उनका ड्राइवर। ड्राइवर से हम डिस्कस नहीं करते, चल बाहर निकल। इसके सामने मारपीट करता है, मैं चाहूं तो अब भी शूट कर सकता हूं। गलती करने वाले पुलिस से डरते हैं और जो मौत से घबराते हैं वो गन से डरते हैं। मैं दोनों से नहीं डरता। चार लोगों को मार के बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है तू। ए, 4 लाख वोट पाकर अपोजिट पार्टी को हरा कर एमपी बनाऊं मैं? होम मिनिस्टर के साथ बैठ कर रोज रमी खेलता हूँ। स्टेट में या सेंट्रल में? नारायण सुना ना, धौस दे रहा है क्या? ए, तेरे जैसे कितने लौंडो को देख चुका हूँ मैं, मेरे जूते के नीचे रहते हैं, मेरे बाल के बराबर भी तेरी औकात नहीं है। डन सर। हेलो। नीचे नीचे कर सर, सॉरी सर, ये इतना घटिया इंसान है मुझे पता नहीं था सर। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। मुंह बंद कर, लोकल ट्रेन और बुलेट ट्रेन में फर्क नहीं कर पाता क्या? दिल्ली से होम मिनिस्टर का फोन था, यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुझे अपने फायदे की पड़ी है। कैंडा कहीं का ए? ऐसे क्या देख रहा है, यहाँ फिल्म चल रही है क्या? इसके सुनामी में बह जाएंगे सबके साथ, चल जाए यहाँ से, निकल। सर मेरी कुर्सी है या गई सर? वो मैं बताता हूँ, इधर आ। तुम्हें होटल पसंद आया तो ले लोगे वरना मार दोगे? उन्हें बचाने के लिए तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इधर आ। मेरा हाथ किधर है, तेरा गाल किधर है? अब आधे घंटे में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं गए तो आगे मत बोलो, मेरा सर आपके हाथ में होगा। समझ गया ना? पेपर पेन लो। आदरणीय मेरी सरस्वती बहन से विनती। बहना बहना, आपके साथ मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लीजिए इन कागजातों को। आज के बाद प्रत्येक वर्ष आपको बहन मानकर रक्षाबंधन को कपड़े लाकर दूंगा बहन, दिवाली को मिठाई लाकर दूंगा, गणेश चतुर्थी को तोहफा और सिंदूर लाकर दूंगा। अब तक मुझसे जितनी भी भूल हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो बहन। ये सब क्या है? आधा घंटे पहले मेरे सर पर शैतान सवार था कि होटल लेकर रहूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में ऊपर वाले की घंटी बज रही है कि ये सब वापस कर देना चाहिए। अचानक तुम्हें इतना चेंज कैसे है? कसम ऊपर वाले की, कुछ देर पहले जब मैं लड़ झगड़ कर ये होटल छीन रहा था तब तो तुमने मुझसे एक भी लफ्ज नहीं कहा, अब जब मैं खुद अपनी इच्छा से ये होटल लौटा रहा हूं तो तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो? भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे पीछे एक चट्टान है बहन, एक ऐसी चट्टान जिसे ना तोड़ा जा सकता है, ना मोड़ा जा सकता है, ना हिलाया जा सकता है, और अगर किसी ने उस चट्टान से टकराने की कोशिश की तो उसका हाल भी वैसा होगा जैसा मेरा हुआ। मैं चलता हूं बहन। आराम से। हाँ ठीक है, किसी तरह ठंडे दिमाग से मैनेज करना। ओके। मम्मी कहाँ जा रही हो तुम लोग? पार्टी में, हमने बताया था ना। मम्मी ये सब क्या है? मम्मी व्हाट आर यू डूइंग? हाँ ये लकीर दिखनी नहीं चाहिए। इसे मिटा दूं क्या मम्मी? ए पागल, दिखाई नहीं देने का मतलब है कपड़े इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। What? पार्टी मम्मी। ये लाइन क्लोज होगी तभी वो डोर ओपन होगा। चांदू
यहाँ आओ। कहाँ जाना है मैडम? फ्राइडे नाइट। अरे बाप रे, पार्टी में क्या? हाँ। आप तो पहले आने वाली थी, अब तो मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। मम्मी ने ड्रेस चेंज करने को कहा। आई एम सॉरी। अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके। देन कम, लेट्स गो। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन। कम। वाओ, एड्रेस तक पहुंचते पहुंचते ड्रेस चेंज हो गया। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें चेंज कर दूंगी। तो ए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसे समझाओ ना मैडम। चंदू, खाना खाकर गाड़ी में वेट करना। हाँ जाइए। चल जल्दी चल। किसी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। क्या वो मैं हूँ क्या? रुकू, जंदू को देख। रुकू नाम की लड़की यहीं कहीं लगता है वो हमें ढूंढ रहा है। हमें क्यों ढूंढेगा, मजे कर रहा है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ खूबसूरत हो ना। तुम्हारा नाम क्या है? चंदू मेरा नाम। ओ, चंदू। तुम्हारा इरादा क्या है चंदू? देखिए मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैं किसी तो इसका मतलब हम उस टाइप के हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, इसका टेस्ट तो बहुत बुरा है। वोडका, क्या तुम्हें दूध चाहिए क्या? एक अल्फाज में अपने आप को गलत साबित कर दिया। ओ हो हो हो, तुम्हें ये शौक भी है क्या? रुको मम्मी को बताती हूँ। सिली गर्ल, रिसेंटली हम लोग एक पार्टी में गए थे। घर से निकलते वक्त डिसेंट किस्म के कपड़े, गाड़ी से उतरते वक्त दूसरे कपड़े, ये बात तुम्हारी मम्मी को नहीं पता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की को एक जीनी लैंप मिल गया। जीनी लैंप मतलब जिसे रगड़ते ही जिन बाहर आता। जिन बाहर आते उसने लड़की को कहा मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, जो भी तुम मांगोगी उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पति को मिलेगा। तो उसने ओके कह दिया। लड़की ने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा सा घर चाहिए, तो उसे बड़ा घर मिला और उसके हस्बैंड को उससे 10 गुना बड़ा घर मिला। फिर लड़की ने कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ऑब्वियसली पति को 10 गुना ज्यादा मिले। अब तीसरा वर क्या चाहिए, तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने उस जिन से बोला मुझे बस एक लाइट सा हार्ट अटैक दे दो। तो फिर सोचे उसके बाद क्या हुआ, तो उसके हस्बैंड को 10 गुना ज्यादा बड़ा हार्ट अटैक आया होगा। सो ब्रिलियंट। नहीं, लड़कियां खुद को बहुत होशियार समझकर सबसे बड़ी बेवकूफी करती हैं। एक्चुअली 10 गुना और लाइट हो जाता है। देख, तुझे चलना होगा, नो अदर ऑप्शन। जाना है क्या? नहीं। अरे क्यों मारा तुमने चंदू? इंदु जी, अगर कोई लड़की से बदतमीजी करेगा तो यही हशर होगा ना। पर कहीं तुम्हें चोट लग गई तो? ड्राइवर, चंदू आओ। अरे ड्राइवर हुआ तो क्या हुआ, इंसान हो ना, मुझे नाम से पुकारो। बॉयज, दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना। ओके चलिए आइए। तुम लोग भी जाओ। ये
जाओ अपने बहन को लेकर आओ। अब उसके साथ और भी लोग हैं चंदू। लड़कियों को या तो आंसू बहाना आता है या हमारे आंसू निकालना। उसके साथ लोगे तो क्या हुआ, आपके साथ मैं हूं ना मैडम। जाओ जाकर उसे लेके आओ, जाओ। ये बताओ कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता डैडी। उसे देखोगी तो पहचान पाओगी। भैया पुलिस कंप्लेंट करो। हाँ भैया, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस कंप्लेंट से क्या हो सकता है क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक लॉयर होने के नाते कह रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इनविटेशन देने के टाइम पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। करेक्ट सर, इस बात को देखकर अनदेखा करना ही अच्छा है। चंदू ने हम पर कोई एहसान किया है ये सोचकर उसे सम्मानित करना ठीक नहीं रहेगा। चंदू कहाँ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने ही तो मारा उन गुंडों को, उसे क्या होगा। बहुत नेक इंसान है, आज दूसरी बार उसने मेरे दिल को बचाया है। तुमने कहा था ना कोई डॉक्टर का रिश्ता आया है, जरा बुलाओ उसे। ठीक है भैया। जब मेरे पापा गुस्से में रहते थे तो वो भी बिल्कुल इसी तरह लाठी को जमीन पर पीटते थे। मेरी आदत भी बिल्कुल वैसी ही है कहकर मेरे भैया मुझे चिढ़ाते थे। उनका भी एक प्यारा सा बेटा था, बहुत शरारती। अगर ड्राइवर को फुल टैंक करने के लिए कहा जाए तो बिना पैसे लिए चाबी लेकर नहीं जाते। ये बात उसे नहीं पता, तुम्हारे पापा और मैं 20 सालों तक एक ही छत के नीचे रहकर बड़े हुए हैं। जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने भाई की याद आती है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल तुम्हारे दादा जैसी है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी यही समझ रहे थे ना? हाँ, मेरा कलेजा तुम्हारे दादा की तरह पत्थर का नहीं है। गुस्से में वो अपने घर से अपनी ही बेटी को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ड्राइवर को भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती। इसीलिए तुम अभी तक इस घर में टिके हो। मेरे आंचल को मेरे पति के खून से रंगकर जिस घर से निकाला, तुम्हारे कहने पर मैं वहां वापस चली जाऊंगी यही सोच रहे हो? हाँ? मैं चली गई तो क्या कर लोगे डैडी? हाँ? पापा संभालिए अपने आप को, ये क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये गन खरीदी थी, लेकिन मेरे लिए जान से बढ़कर मेरी इज्जत है। पापा, पापा नहीं, पापा। शरद, शरद नहीं। प्रकाश, प्रकाश, हे प्रकाश। डैडी, भले ही मेरी आरती उतार कर मुझे आप घर में ना आने दे, लेकिन आशीर्वाद देकर विदा जरूर करेंगे यही सोच रही थी। आप मेरी खातिर सब कुछ सह सकते हैं यही सोच कर आई थी डैडी। आपने इन पर गोली चलाई ना, आप मेरे लिए मर चुके हैं। ये जलती हुई आग तो बुझ सकती है, लेकिन आपने जो आग लगाई है ना वो कभी नहीं बुझेगी। छोटी, मुझे मत रोको भैया, मैं आपके पापा पर केस नहीं करूंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हम फिर नहीं मिलेंगे। तुम इस घर में रहो तो भी ठीक, इस घर को छोड़कर चले जाओ तो भी ठीक, लेकिन एक बात कहूंगी, तुमने मेरे घर में आकर मेरे पति की सेवा की है, मेरे होटल को बचाया है, मेरी बेटियों को बचाया है। ये सब अगर इत्तफाक है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे सामने अच्छा बनने के लिए अगर ये सब कुछ तुमने ही करवाया है तो मुझे भी गोली चलानी आती है। और अफसोस, तुम्हारे दादा की तरह मेरा निशाना चूकेगा नहीं। Oh,
सर। सर, जितनी देर में आप कॉफी पीकर टेबल पर रखेंगे ना, उतनी देर में बुआ आपके सामने होंगी। किडनैप सर। जी हाँ सर, सीता को जैसे रावण ने किडनैप किया था, हम आपकी बुआ को किडनैप कर लेंगे। और अगर आपके फूफा राम बनकर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ भी गए तो हनुमान बनकर उनको बचाने वाला कौन है सर? आइडिया कैसा लगा? इधर आओ। सर जाके उस नाके पर खड़े हो जाओ। जाओ। सर आप मारेंगे तो? मार खाने वाली बात मत कर, जो बोलना है जल्दी बोल। आपकी बुआ को छोड़कर आप कौन है ये बात किसी और को नहीं पता है ना सर? किसी को पता नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। सर वो कहना चाहता हूँ कि देख सीधा मुद्दे पे आ, इंदिरा को आई लव यू कह दो सर। इंदिरा को अगर मैं आई लव यू बोलूंगा तो तुझे लगता है वो आके मुझे आई लव यू टू बोलेगी? आई हेट यू कहेगी वो? सर आपको पता नहीं है सर, आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं सर। आपकी हाइट देख करके लड़कियां फुल बॉटल के जैसे नशे में हो जाती हैं। वॉइस में क्या बेस है सर, सुनते उनके चेहरे गुलाब जैसे खिल जाते हैं सर। यहाँ तक कि शादीशुदा लड़कियां भी आपके साथ सात फेरे लेकर मन से अपना पति बनाना चाहती हैं सर। मक्खन नहीं लगा रहा हूँ सर। सच में? श्योर सर। इधर आ। श्योर है ना? श्योर सर। मुझे चाहती है ना? नो डाउट सर। कंटिन्यू आगे बोल। सर हाँ, सिर्फ एक बार। हाँ एक बार। हाँ इंदिरा कहके पुकारिए सर। इंदिरा कहकर? रनिंग बस के पीछे जैसे पैसेंजर भागता है वो आपके पीछे चली आएगी सर। ऐसा? उसके बाद? फिर उसके पीछे आपकी बुआ भी आएगी सर। मैडम को? हाँ। आपको बहुत प्यार से देखते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मुझे? आपको निगल जाएंगी ऐसा लगता है। निगल जाएगी? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे देख रही जी सर। तो मैं पुकारूं? पुकारिए सर। सच में पुकारूं? बिल्कुल सर। तो श्योर है ना? श्योर सर। पुकारूं ना? बिल्कुल सर। श्योर सर। ओके। मैडम ये क्या कर रही हो? मुझे मत रोको। अरे रुको तो सही, आप मरना क्यों चाहती हो? जिसे मैं चाहती हूँ अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं जिंदा क्यों रहूं? लगता है आग दोनों तरफ लगी है। देखिए आप जिसे चाहती हैं वो हमेशा आप ही का है। मेरा नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ ये सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही है बेचारी। एक्चुअली बात ये है, मैं ड्राइवर नहीं। ठीक कहा, ड्राइवर नहीं तुम डाकू हो, मेरे प्यार को मुझसे दूर करने वाले बहुत बड़े विलन। क्या आप किसे चाहती हैं ये जरा विस्तार में बताएंगी क्या? उसका नाम रोहित है जिसे तुमने मॉल में मारा था, वही है। ये गलत बात? क्या गलत है बोलो? वो तो आपको किडनैप करके ले जा रहा था। ए वो मेरा किडनैप करता तो मैं चिल्लाती नहीं क्या? 3 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, भाग कर शादी करने का हम लोगों ने प्लान किया था, तुमने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने? कल उसकी शादी है। कल है ना, सुबह जाकर उसे ले आऊंगा। हेलो, वो इतना आसान नहीं है। रोहित नायक वेड्स नीलांबरी दौड़मणि। सिर्फ दौड़मणि नहीं है, वीरप्पा दौड़मणि है। उनका बहुत बड़ा नाम है, उनको 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। उसी के साथ रोहित की शादी हो रही है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। किसी ने उनकी लड़की के हाथ को एक बार चूम लिया था तो उन्होंने उसका हाथ ही काट दिया। ऐसी जगह से तुम उसे ले आओगे? अभी जाओगे क्या? All the best. Bye. देखिए ना सर, सिचुएशन पे कितना फिट हो रहा है सर। माँ, मेरी माँ मर गया। सॉन्ग चेंज करो, फ्लाइट पार्किंग में लगाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये है? हाँ। I mean, अच्छा है। बहुत अच्छा है। वो सच में बहुत हैंडसम है। जब ये फोटो खींची थी तब कैमरा सही नहीं था। बहुत चालबाज लग रहा है ये। क्या? कुछ नहीं। लंगूर तो लंगूर ही दिखेगा ना, शेर थोड़ी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कह रहा था कि हुगली जाने वाला है, जाकर उसे बता देता हूँ, तुरंत दूसरी फ्लाइट पकड़ के वहाँ से रिटर्न चला जाए। ओके बाय। ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ चोरी करके फरार हो रहे हैं। मम्मी को बताती हूँ। मम्मी
टायर फट गया क्या? फिर ये गाड़ी झटका क्यों खा गई? इतनी गर्मी में तो आदमी उबल जाएगा। सो हॉट। अरे हुआ भी तो प्यार किस गधे से हो गया, दिखने में पक्का टेररिस्ट लगता है तू। सर आजकल के जनरेशन में कैरेक्टर देखकर प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं सर। लड़का लड़की का फेस देखकर प्यार करता है। हाँ। लड़की लड़के का पर्स देखकर प्यार करती है। यू नो अब उस घर में ही देखिए ना सर, पहली वाली ओके लेकिन जो दूसरी वाली है ना, घर हाँ। में ओम शांति और बाहर में डिस्को शांति। मेरी बात पे आप इतना हंस क्यों रहे हैं? उसके बारे में मुझसे ज्यादा तो तू जानता है, जो अभी मुंह में आए वक्त देता है। वहाँ से यहाँ आने के लिए इतना लंबा चक्कर जरूरी था सर? सर कहा? सर इसका ढीला हो गया क्या? चले क्या मैडम? ए हनुमंत सारा मसाला तैयार कर। आई से तो देना, बहुत दुख रहा है। हाँ बोलिए सर। सुन आपके लिए क्या लाऊं? यहाँ कैसे? मुझे क्या पता बॉस, लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। रात को चलते चलते अपनी जीप में गिर गई होगी, जिसकी वजह से उसको चोट लग गई होगी और इसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मलेशिया कहते हैं। तू नर्स है, बीमारी का नाम तो सही से बोल, उसे एमनीजिया कहते हैं। आपको पता है क्या? बिल्कुल। मैं यहाँ कैसे आई? एक्चुअली आप मेरी बुआ की बेटी। हाँ? हम दोनों के फैमिली में बनती नहीं है। मैंने हाथ पैर जोड़े बिनती की लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा, तो एक ही रास्ता बचा था हम दोनों के भागने का। ओह बेचारा दुखी लग रहा है, प्याज मत डालना। मेरा कोई भाई बहन नहीं है क्या? है ना राक्षसी। सच में वो एक राक्षसी ही है, हमारी लव स्टोरी के खिलाफ उसी ने आग लगाई है। यानी ऑलरेडी खटास आ चुकी है। इमली मत डालना। ये कौन है? तुम्हें चोट लगी है ना? हाँ? तो ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर? आयुर्वेदिक डॉक्टर? धनिया पुदीना कुछ भी मत डालना। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ क्यों है? बहुत लंबी कहानी, थोड़ा जल्दी करो ना। तुम पूछ रही हो इसलिए बता देता हूँ। एक पैसे वाले लड़के ने तुम्हारी दीदी के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दिया। मैं तो गरीब परिवार से हूँ। ओहो हो, रिश्तों को आपस में उलझा कर ये कैसा छोंक लगा दिया, तड़का लगाना कैंसल। मेरी दीदी को तो सारे लोग शरीफ ही लगते होंगे। दीदी शरीफ है ना, इसलिए सारा कसूर उसके ही माथे मढ़ देते हैं। डॉक्टर शराफत का रंग है, हल्दी भी कैंसल। ए जी कूल बॉस, आप मेरे होने वाले वो है ना? इधर आ। इसकी बातों का सीधा मेरे दिल पे असर हो रहा है रे। इसी तरह का झटका उसे भी दे दो, तभी तो बात बनेगी। बोलो जाने मन। आपको देखती हूँ तो आप मुझे बहुत शरीफ लगते हैं। तुम तो दादाजी की तरह बोल रही हो। दादाजी? उनके बारे में बता दूं क्या? हाँ, बता दो। सिर्फ वही है जो हमारी लव स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। फोन करो करो करो। अरे नहीं नहीं आप बैठिए उनके लेफ्ट साइड में। वो फोन आराम से निकालेंगे, साथ में आपकी सेल्फी भी। कोशिश करती रहो। यस सर। हेलो दादाजी का फोन दो। प्लीज बी ऑन द लाइन सर। सर हेलो। दादा अपनी नातिन से बात करोगे? नातिन? दादा हेलो नाना जी, मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाना जी, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। जो भी हुआ था वो छोटी बात नहीं है बेटा। छोटी हो या बड़ी हो, आखिर में तो होना ही है ना, फिर इस तरह से आनाकानी करना गलत है। इतनी छोटी उम्र में ही तुम कितनी समझदार हो गई हो। और नहीं तो क्या, मेरी पसंद के लड़के से मैं शादी कर रही हूँ तो उन्हें शादी। फोन मुझे दो। हेलो हेलो हेलो। ए गधे बाद में कॉल करता हूँ। बुआ की बेटी मामा का बेटा अच्छा गुल खिला रहे हैं। नाना जी की आवाज सुनकर मुझे रोने का दिल कर रहा है। रोने को दिल करता है तो गले लगकर रोने से बहुत सुकून मिलता है, इसलिए गले लग जाओ। मलेशिया से इतना बेनिफिट मिलता है ये पहले पता होता तो अपनी वाली को ऊपर से पहले ही धक्का दे देता। खिचड़ी तैयार हो गई क्या? है, उनको देखकर ये नहीं लगता कि वो कुछ खाने पीने आए हैं। जाओ ये ले जाकर दे दो उसे। साहब आप लोगों को खाने से ज्यादा जिस चीज की जरूरत है मैं वही लाया हूँ। ये क्या है? भले ही आपकी लव स्टोरी पुरानी हो लेकिन ये साड़ी नहीं है। बिटिया से कहिए इसे पहन कर आए, उसके चेहरे में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। वो ले लीजिए साहब। ले लो ले लो ले लो बिटिया। शादी हो रही है इसलिए सभी लोग खुशी से तैयारी कर रहे हैं। ए जी आपके आने तक मैं यहीं बैठकर वेट करूं क्या? ओ, छोड़ ना जाने मन शादी करेगी। सर इन्हें कुछ और वक्त चाहिए। वो तो इसने यूं ही कहा था,
इसकी आंखें कह रही है अभी शादी करेंगे, है ना जाने आपकी शादी के पहले हमें यहाँ एक धमाका करना है। चलिए सर। क्या सर, एक्शन की तैयारी कर रहे हो क्या? और क्या कर सकता हूँ लक्ष्मी, सच्चाई बताने में ही भलाई है सर। उस दिन आपने सच कहा तो मैंने विश्वास किया क्या सर? देखते जाइए सर, ये लोग खुद उस लड़के को हमारे साथ भेजेंगे, देखना मेरा जादू। आइए सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। शादी में आए हैं ना? शादी रुकवा कर लड़के को यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए आए हैं। मैंने कहा था ना सच कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा। अच्छा तुम कौन हो? मैं दुल्हन का छोटा भाई हूँ। हाँ, और हाँ। वो बड़े भाई हैं और वो दुल्हन मेरी बहन। अच्छा तो दूल्हे का कमरा कहाँ है? वो ऊपर है सर। आइए सर। रुकने वाली शादी की तैयारी में इतने सारे लोग जुटे हुए हैं, ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है सर। हम जिस काम से आए हैं उसे तुरंत पटा लेते हैं, लड़के को ऐसे ले जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा सर। आइए सर, मैं हूँ ना आपके साथ। ए, तू रो क्यों रहा है प्यारे? अशोक वाटिका में सीता माँ की तरह गुमसुम क्यों बैठा है? तुम्हारा फोटो मुझे मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और शादी इससे हो रही है, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ। कैसे? वो बहुत लंबी कहानी है, छोड़ना। आई नो सर, कूल सर, कूल। ठीक है चल प्यारे चलते हैं। लेकिन कहाँ? उन लोगों को पता चल गया तो मार देंगे। किसे यार, इन्हें, तू भी ना। छोटे पूंछ दबाकर भागने का जमाना गया, आज का दौर दिमाग वालों का है। इनके अंदर ताकत है लेकिन हमारे अंदर ब्रेन है ना। चल। हाँ। अच्छा ये बताओ तुम दोनों में बॉस कौन है? बॉस कोई भी हो, तुझे क्या करना है? जब से हम आए हैं हम दोनों में से ज्यादा बात कौन कर रहा है? मुझे बचाओ सर, मुझे बचाओ सर, आप मेरी मदद के लिए भगवान बनकर आए, थैंक यू सर। अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर इस एहसान का बदला चुकाऊंगा, ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ सर। पकड़ो उसे। पसंद न होने पर भी जबरदस्ती जिस लड़के से आप शादी करवा रहे हैं मैं जान सकता हूं उसका बाप कौन है? ओके। ये जो लंबे बाल वाला पीछे पड़ा धूल चाट रहा है उसका बाप कौन है? तुम हो? हमारे बचवा को एक थप्पड़ का मार लिया तो बहुत ज्यादा रौब दिखा रहे हो। देखिए वीरप्पा जी,
एक पुलिस ऑफिसर को उसके पहनी हुई खाकी ड्रेस की वजह से ही रोब आता है। जब एक नेता को चुनाव में खड़ा करके जिताकर जब नायक बनाते हैं तब उसके पीछे खड़ी जनता को देखकर ही उसे रौब आता है। लड़कियों को उनके पीछे खड़े लड़कों को देखकर रौब आता है। लेकिन मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो कैसे चलते हैं ये देखने के बाद ही डिपेंड होता है कि मेरे अंदर रौब आएगा या नहीं। अब आप बताइए आपको किसके बल पर इतना रौब है? बैजुआ ई है हमार मदमस्त हाथी। हाथी कितना भी उछल कूद क्यों न करे उसे महावती संभालता है। वीरा विश्वा कालिया ए, इन लोगों के साथ हम बहुत शेर का शिकार किए हैं। गुड वीरप्पा जी वेरी गुड। लेकिन कुछ शेरों को ना छोड़ने में ही भलाई होती है। पूछे क्यों? क्यों शिकार करने वाले ही शिकार हो जाते हैं वीरप्पा। थैंक यू। ये मेरा स्टेटस है वीरप्पा। अगर तुम्हारे आदमियों में से किसी ने इसे छू लिया तो समझो मैं हार गया और अगर इसे पहन लिया तो समझो मैं मर गया। लड़के के साथ हमारी बिटिया की शादी होने वाली है। तू ये गलत कर रहा है। तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए वो तैयार है कि नहीं ये पूछे बिना उसकी शादी कर रहे हो? जबरदस्ती उस लड़के से शादी करवा दी तो ससुराल में भी वो मरेगी, नुकसान किसका बताइए। एक बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। बेकार में किसी के लफड़े में जाने से पहले जरा ये सोच लीजिए, आपसे कोई जबरदस्ती उलझता है तो आप उसकी बैंड बजाइए। देखिए मैं बिंदास ब्रूसली की तरह हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है और मेरी नाक चपटी नहीं है और छोटी 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 आंखों वाला देश का नहीं हूं। लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, बोलने का स्टाइल और देने का पंच सेम टू सेम है महाशय। हिंदुस्तानी स्टाइल में वार्निंग देने का अपना एक अलग ही स्टाइल है भाई। इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तुमने एक ड्राइवर के साथ डिस्कस किया, ये बात तुम्हें अपने माँ बाप को बतानी चाहिए थी। सर वो तुम चुप रहो। आखिर ये कौन है, कहाँ से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पता लगाना चाहिए या नहीं, ये सब जाने बिना क्या अचानक फैसला कर लिया जाता है? क्या बोलती हो सरस्वती? प्यार करना कोई शर्म की बात नहीं है और शादी करने पर गोली नहीं चलाई जाती, हमारे घर में इंसान रहते हैं।
राक्षस नहीं रहते। तुम हमारे प्यार की निशानी हो और तुम्हारे प्यार की हम इज्जत करते हैं। तुम अपनी बिटिया के प्रेम को इतना इज्जत करते हो, लेकिन हमारी बिटिया की शादी इसी की वजह से रुक गई। सपना में भी कोई अगर हमारी बेइज्जती करता है तो सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़ने से पहले हमारे चौखट पर आकर हमसे माफी मांग लेता है। हमारे लोगों के सामने हमारी शान, हमारी इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी। हमारी जिंदगी को एगो अखाड़े में पस्त पहलवान की तरह इसने कर दिया। अगर शादी नहीं हुई तो हमारे लोगों के सामने हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, और अगर हम चुप रह गए तो बेइज्जती के दर्द से हमारी जान चली जाएगी। वकील साहब, आप तो एक वकील है ना, तो कोई जवाब दीजिए। अरे न्याय कीजिए ना। आपको जिसने छाछ लाकर दी है वो मेरी छोटी बहन है। बहुत अच्छी जगह रिश्ता देखा था, बहुत ही बड़ा घर था। इतने अच्छे घर में जा रही ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर अफसोस उस लड़के के दिल में मेरी बहन के लिए जगह है या नहीं ये जानने की कोशिश नहीं की। एक पढ़ा लिखा लड़का घर में बैठा हो तो हम उसे घर से निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक जवान लड़की अगर शादी के बाद मायके में ही रह जाए तो उसे कैसे निकाल सकते हैं। एक पकवान बनने के बाद अगर उसमें मक्खी भी गिर जाए तो हम उसे फेंक देते हैं ना। अब जरा सोचिए, जो लड़का आपकी बच्ची से प्यार ना करता हो उसे उसके पल्ले बांधना, ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए वीरप्पा जी, आपकी लड़की की शादी के लिए जितना खर्च हुआ है मैं उसे अपनी बेटी की शादी समझकर आपको देने को तैयार हूं। इस वीरप्पा की शान को तुम खरीदने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कितना दोगे बताओ। हटो, हटो पीछे, हटो, चलो। ए, ये पेड़ पौधे काटने के लिए है, इंसान काटने के लिए नहीं है। अगर तुझे किसी को काटना है तो इसे काट, इसी ने सब कुछ किया है। हमारे घर की बेटी की आड़ में ये हमारी कब्र खोदेगा। इस घर का हर एक इंसान बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको बिठाकर पानी के लिए पूछा। अगर उसकी जगह हम होते ना तो बोटी बोटी काट कर फेंक दिए होते। आई एम सॉरी सर, मेरी बहन की शादी रुक गई इस गुस्से में मेरे पापा ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। hey! तू इनसे क्या बात hey! कर रहा है? हमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है ये। देखिए, हम आपको पैसे देंगे ये कहना गलत है, और आपकी खोई हुई इज्जत तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इज्जत रखने के लिए हम अपनी दूसरी बेटी की आपके बेटे से शादी करवाएंगे। क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है? यहाँ की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बुआ को यहाँ से ले जा सकेंगे। ऐसा लग रहा है आप उनके बच्चों की शादी में आए हैं। कुछ करो ना बॉस। सुनो चंदू, दुबई में तुमने बॉस की वाइफ की जान बचाई तो भी तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था। इस बारे में मैंने कई बार सोचा, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया। सामने वाला कितना भी अच्छा काम करे उसके बाद भी हम उसे कभी कभी रख नहीं पाते। जंगल में सांप को दूध पिला सकते हैं, लेकिन अगर वही सांप गलती से आपके घर में आ जाए तो उसे निकालना पड़ता है। देखो, शादियां तो संयोग से होती हैं, लेकिन वो आदमी तुम्हें यहां देखकर इतना इरिटेट इसलिए हुआ ताकि तुम शादी में कोई रुकावट ना पैदा करो। चंदू, तुम एक मेडिसिन की तरह हो, सही वक्त पर जान बचाते हो, लेकिन अफसोस हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है,
सुबह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, ऑक्सीजन पर है। भार्गव तुम आ जाओ बेटा, सब कुछ भुला के आ जाओ, यहाँ आकर आखिरी बार अपने दादा को देख लो। इस वक्त दादा से ज्यादा उनकी बेटी जरूरी है। बुआ को उनके पास में लेकर आऊंगा, ऐसा वचन दिया है मैंने उन्हें। जब तक वो अपनी बेटी का मुंह नहीं देख लेते, वो मर नहीं सकते, उन्हें जिंदा रहना होगा। उसे ये बात कहिए डैड, जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। बस कुछ दिन और मेरी राह देखिए, आप उनसे इतना कह दीजिए प्लीज, प्लीज डैड। मुझे एक चांस और चाहिए, सिर्फ एक और चांस। हेलो। हम हैं बहन जी वीरप्पा। हाँ बोलिए भाई साहब। कल तुम्हारे घर पर हमारे भैया का छोटा भास्कर आएगा। ब्याह की सारी तैयारी का जिम्मा उसी का है। देखिए वो हमको बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ, उसको किसी भी बात की कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही इंतजाम करवाइएगा। उसका नाम भास्कर है। सिर्फ 2 लाख लेकर युगांडा गया और खेती करने लगा। हर कोई खेती बाड़ी करता है और फसल उगाता है, लेकिन उसे फसल के साथ मिट्टी में डायमंड मिल गए। बस वहीं से उसका सितारा बदल गया, 5 साल में सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। अच्छा, सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि वो ऑस्कर अवार्ड पाना चाहता था। देने वाले पागल हैं क्या, उसे अवार्ड क्यों देंगे? इसीलिए उसने भास्कर अवार्ड नाम रखकर खुद ही एक फिल्म बनाई और अवार्ड खुद ही ले लिया। कौन सी पिक्चर है? 300 से इंस्पायर होके 306 अपनी फिल्म का नाम रखा, जिसमें वो हीरो है। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखो राजा लिएंडिश, कहीं ऐसा ना हो कि ये शब्द तुम्हारे अंतिम शब्द हो। ये तो नाइंसाफी है, कोई भी राजा के दूत की जान नहीं लेता। तुम्हारे राजा ने जो संदेश तुम्हारे द्वारा यहाँ पे भेजा है, वो मेरे और मेरी जनता के लिए अपमानजनक है। तुम लोगों ने मेरी जनता को बेरहमी से मारा, मैं अपनी रियासत हासिल करके ही रहूंगा, मेरे हाथों ही उसकी मौत है। दिस इज मैडनेस, दिस इज स्पार्टा। बदकिस्मती ये थी कि उस फिल्म के हीरोइन का रोल भी उसी ने किया था। बेशुमार दौलत देकर अवार्ड ले ही लिया। ये अवार्ड लेते समय काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते, और ये देखते ही वो मर जाते। फिल्म देखने वाले हर एक ऑडियंस ने कहा, हर एक सीन बिल्कुल डायमंड की तरह है। हर सीन को फिल्माने के लिए इसने सारे डायमंड बेच दिए और अवार्ड खरीदने के लिए भी कुछ दिए। आज ये अवार्ड मैं अपने मम्मी पापा को अर्पित करता हूँ। मम्मी डैडी, दिस इज फॉर यू। स्वामी, तुम उसके बारे में एक बात नहीं जानते, उसने फरार होने से पहले 2 लाख रुपए इसी घर से चुराए थे। वो इसी घर में काम करता था, तुम्हारी जगह। ये कितनी आसानी से मुझे वहां से छुड़ा कर लेकर आए। सेफ्टी का दूसरा नाम चंदू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू चंदू, यू आर रियली वन मैन आर्मी। हद से ज्यादा बिल्डअप मत दे, वो कोई जंग जीत कर नहीं आया है। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? तब पता चलेगा जब किसी दिन तुम्हारे बीच झगड़ा लगाएगा। अच्छे खासे मूड को खराब करना कोई तुमसे सीखे। रुक्मिणी जी, अपने गुस्से पर काबू पाइए और अपनी बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाइए। अब जहाँ तुम्हारी शादी होने वाली है, वहाँ इंसान कम, तलवारें और कुल्हाड़ियाँ ज्यादा है। तो तुम्हें इससे क्या मतलब? अब बताओ। ओह, मुझे अपनी गोद में बैठाकर कहानी सुनाने वाले से शादी करूँ? मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? कल मैंने उस नर्स लक्ष्मी को अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी, तब उसने सब कुछ उगल दिया। जानते हो मेरी नजर में चोर कौन है? तुम हो। तुम्हें देखकर पहले ही दिन मैं फ्लैट हो गई। नाटक में तो ग्लिस्टरिन लगाकर रोते हैं, लेकिन इसे देखते ही मुझे रोना आ जाता है। यही सोच रही हूँ कि एक ड्राइवर से शादी कैसे करूँ। उसे देखो, वो MBA ग्रेजुएट से शादी कर रही है। उसके बच्चे वाटर किंगडम में घूमने जाएंगे और मेरे बच्चे म्यूनिसिपल गार्डन में। तुम्हारी नौकरी जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दोगे? तुम्हारे करीब आते ही मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, अभी भी कांप रहे हैं। लॉन्ग स्कर्ट पहना है इसलिए समझ नहीं आ रहा। मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी,
मैं भले ही कुछ भी कर लूं, तुम मुझे कभी नहीं मिल सकते। बस इसीलिए बताया। मुझे और कुछ कहना है, तुम सुनोगे क्या? चलो कान बंद करो। आई लव यू। आगे मेरा नसीब, जो लिखा है वही होगा। अरे बॉस, बोल। एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? ये घर मेरे भगवान का बनाया हुआ है, इन लोगों ने मेरे लिए आंसू बहाए। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? लगता है मैं किसी ने पहचाना नहीं क्या? जिप तो लगाया है ना? हाँ लगाया है सर। मेरा लगा है क्या? आपने फ्रॉक पहनी है। हाँ। ये दोबारा यहाँ कैसे? He is my personal। कल तक ये हमारे यहाँ जॉब करता था, अभी अभी उसने नौकरी छोड़ी है। तुम्हारे यहाँ से नौकरी छोड़कर ये सुधर गया। मेरी तरह देश छोड़ता तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता। What is this? मैं इस बार एग्जाम में फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। स्वीट खत्म हो गया इसलिए शुगर लाई हूँ। शुगर? मुझे तो ये ऑलरेडी है। टेक 2 लाख। नेक्स्ट टाइम पास हो गई तो पूरे गांव को पार्टी दूंगा। ओके स्वीटी। सर लिखो। सर। यस। सर 2 लाख। सर 2 लाख। रिलैक्स मैन। यहाँ तूने 2 लाख का हाथ मारा था ना, इसीलिए तुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया। फेंकते ही बाउंस होने वाला, मैं कोई लेदर बॉल नहीं हूँ। या फिर फेंकते ही बाउंस नहीं होने वाला, मैं कोई प्लास्टिक बॉल भी नहीं हूँ। आई एम बॉल, क्रेजी बॉल। बाउंस हो गया तो कहाँ गिरता हूँ, कहाँ पहुँचता हूँ, क्यों गिरता हूँ, किसी को नहीं पता। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे लेडीज बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, इसे इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो? अरे वाह, तुम्हारे गाल कितने स्मूथ हैं। मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। भास्कर सर इज सो नॉटी है। वही तो। अरे भास्कर, कैसा है तू? सर ये अजगरनी आपको निगलने तो नहीं आ रही कहीं? इससे पहले वो मुझे निगले, मैं उसे हैंग कर दूंगा। ओके। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता है तुम्हें देखे कितने दिन हो गए भास्कर, मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूँ। अच्छा? ओह, युगांडा में जब मुझे हिचकी आती थी तो मुझे लग जाता था कि आपने ही मुझे याद किया होगा। आज से फ्रेंड्स चैनल पर मेरा एक सीरियल शुरू हो रहा है, उसे देखना मिस मत कीजिएगा। बचपन में क्यों क्यों रोते समय जिसे मैं उठा कर लेकर भागता था वो नंदी मुनी गुड़िया। Oh, I'm coming. Hello. मैं सिर्फ भागने का एक्शन कर रहा हूँ। निकिता तुम भी ऐसा ही करो। मैं साफ करता हूँ। अरे भास्कर तुम यहाँ कैसे? नमस्ते माँ जी। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है माँ जी। क्या बात है सर, आप उन्हें देखते ही झुक क्यों गए? कुछ लोगों की पावर ही ऐसी होती है, उन्हें देखते ही खड़ा होना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर कुछ भी फील नहीं होता। एग्जाम्पल माई वाइफ। कैसे हो भास्कर? सर वीरप्पा जी आए थे यहाँ पर, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। और रियली सर? कह रहे थे शादी का सारा इंतजाम तुम ही करोगे, तो करोगे ना? हाँ, इज इट? What you can expect from me? Oh, थोड़े बहुत संस्कार। आए बड़े संस्कार वाले संस्कार। मुझे कसाई की नजर से देखने वाले अगर इस घर की शादी को मैंने रुकवा कर खून के आंसू नहीं रुलाया तो? नहीं रुलाया तो? रुलाऊंगा। But how? इस घर में दूसरी वाली लड़की भी जवान है, तुमने उसे देखा है? You like her? I want her. ऐसा है तो आपको एक महापुरुष से मिलना ही होगा। कौन है बे? स्वामी जी। मेरा दाया हाथ बाएं हाथ पर विश्वास नहीं करता। आपके दर्शन होने के बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यू आर ग्रेट स्वामी जी। अब तो अपनी बकवास बस कर। धरती पर कुआं खोदने के बाद भी पानी नहीं मिलता, ऐसे में तुझे हीरा मिला है। जी हाँ स्वामी जी। उससे बढ़कर तुझे और क्या चाहिए? भोपला? कपड़ा? कपड़ा नहीं, भोपला। स्वामी जी बार बार भोपाल का ट्रैवल करते रहते हैं। स्वामी जी, बच्चे को चुप कराने के लिए उसे चुम्मा दिया जाता है स्वामी जी, उसी तरह मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था करवाइए। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, बताओ। मैं यहाँ एक शादी में आया हूँ, जिसकी शादी हो रही है उसका नाम है रुक्मणी। वो शादी रुकवाइए। तो उसकी शादी क्यों रुकवाना चाहता वो है? मुझे चाहिए। वो जिसे हद से ज्यादा चाहती है उसी को मिलेगी दुर्योधन। हम महाभारत में आए।
मुझसे ज्यादा उसे और कौन प्यार कर सकता कोई नहीं है? कर सकता और मेरा माइंस डायमंड्स करेंसी एरोगेंसी फ्यूचर ग्लैमर ये सब मेरे पास बरकरार रहना चाहिए जो कुछ भी तेरा है वो तेरे जीवन के अंत समय तक सिर्फ तेरा ही रहेगा शकुनी जैसा तू चाहता है वैसा होने के लिए ये उस जगह पर होना बहुत जरूरी है इस पेड़ को क्या ये पेड़ नहीं प्राण दाता है ये ज्ञान वृक्ष है अगर मेरा सब कुछ अच्छा हुआ तो इस पेड़ को उखाड़ कर अपने सर पे रखूंगा और इसे रोज सींच कर बड़ा करूंगा अचानक स्वामी जी टार्जन कैसे बन गए कहीं जंगल से यहाँ पे हाथी ना आ जाए गुड माय सन स्वामी जी फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में किसी इंसान का चेहरा देखने के लिए इतना तड़प रहा हूँ वो महापुरुष आप ही हैं भगवान के लिए टर्न हो जाइए अपना चेहरा दिखाइए मुझे और आशीर्वाद दीजिए मेरा चेहरा देखने की शक्ति तुम में है क्या हाँ है स्वामी जी मुड़ जाऊं क्या मेहरबानी होगी स्वामी जी दिखाओ क्या अब दिखा दीजिए ना स्वामी जी झूठ बोलोगे तो पत्ते झड़ेंगे झूठ बोलने वाले को खून की उल्टी होगी इसे पकड़ में चेक करता हूँ मैं चैलेंजिंग स्टार दर्शन की तरह देखता हूँ सर पत्ते झड़ने शुरू हो गए वो मुझे भी दिख रहा है आई एम लवर बॉय इन युगांडा वाह इस बार एक भी नहीं झड़ा अब तेरी 32 झड़ेगी वो मुझे दिखाई दे रहा है मैं हूँ लोफर लफंगा कुत्ता गली का कुत्ता खुजली वाला कुत्ता नाली का सुअर क्या ये सच्चाई है मेरे अंदर इतने सारे क्वालिटीज हैं क्या जितनी मैंने बोली उतनी तो पता है बाकी का पता नहीं जवाब दो मुझे यहाँ क्यों बुलाया मैं तुम्हें नहीं चाहती आई हेट यू इस घर में ये सब क्या चल रहा है इस घर में और क्या क्या चल रहा है क्या हुआ सर क्या हुआ पहले ये बताओ इस घर में सभी लोग सर झुका कर चलते हैं ये देखकर मुझे लगा यहाँ हर कोई पुलिस की तरह सिस्टम में चलता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसकी बात उसे ना पता चले इसलिए तुम सब चालबाजों ने मिलकर ये स्कीम बनाई है दिस इज नॉट आवारा के औलाद है सर क्या करे स्वामी इसे क्या हो गया है खुलकर क्यों नहीं बताता क्यों क्या हुआ इस घर की लड़कियाँ किसी लोफर के साथ चुम्मा चाटी करती है चिपक करके बैठती है ऐ चुप कर उनको आवारगी करते मैंने अपनी आँखों क्या हुआ आप रुक क्यों गए सॉरी रिहर्सल कर रहा था अब आप लोग जाइए यहाँ से आपको परेशानी हुई इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं गधा समझ के छोड़ दीजिए वो दोनों लिपट के चुम्मा चाटी कर रहे थे ये बात गलत थी क्या वो दोनों लिपट कर चुम्मा चाटी कर रहे थे मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती आज रात को सच्चाई पता करके रहूंगा आपकी हीरोइन का नाम क्या है सर अहिल्या अमाया की मतलब आपके लिए अभी दो दो लड़कियों की तैयारी करनी पड़ेगी अहिल्या अमाया की दो अलग नहीं है अहिल्या ही अमाया की अंडरस्टैंड टाइटल में ही बेशुमार ट्विस्ट है सर क्या बात है सर अब स्क्रीन प्ले में देखना कैसा कैसा ट्विस्ट मिलेगा तुम लोगों को सर कॉन्सेप्ट क्या है सर गौतम अहिल्या पति पत्नी थे इंद्र की अहिल्या पर गलत नजर थी ये गलत बात है सर अहिल्या ने कहा कि ये गलत है इसलिए इंद्र ने एक खतरनाक प्लान बनाया क्या किया उधर देखो एक दिन गौतम प्रतिदिन की तरह नियम अनुसार मुर्गे की बांग सुनते ही स्नान के लिए निकल पड़े वो मुर्गे की बांग इंद्र की चाल थी परंतु इससे अनभिज्ञ ऋषि गौतम वहाँ से स्नान के लिए निकल पड़े और इंद्र गौतम बन के अहिल्या के पास पहुँच गया कामांध इंद्र अहिल्या के सौंदर्य को देखकर स्वयं को रोक नहीं पाया गहरी नींद में सो रही अहिल्या को कामांध इंद्र ने थपथपाकर जगाना शुरू कर दिया स्वामी बोलो स्नान करने के लिए नदी की ओर नहीं गए मेरे समीप हो और मैं स्नान करने जाऊंगा क्या इतना बेवकूफ हूँ ये कहकर इंद्र भुजाओं के बल से अहिल्या को अपने समीप खींचने की कोशिश करता है क्या सुगंधदार है आई ये क्या है तुम तो स्नान करने गए थे इतनी जल्दी कैसे लौट आए सोप भूल गया था उसे लेने के लिए वापस आ गया सोप लेकर के जाओ और जब तक खत्म ना हो जाए वापस नहीं आना क्यों तुम इस खूबसूरत लड़की के साथ अकेले बैठे यहाँ पर रोमांस करना चाहते हो मैं इंद्र हूँ मेरे जो मन में आएगा मैं वही करूँगा मैं भी वैसा ही हूँ मैं गौतम हूँ जो चीज में आए वो करता हूँ अरे 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 मारा तो एक ने ऐसा क्यों लगा कि 10 लोगों ने मारा क्या उसकी एक उंगली एक हाथ के बराबर है मुझे सेफ रहने के लिए कास्टिंग चेंज करनी पड़ेगी कास्टिंग चेंज ओ, को, को, को। वा, 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 वा।
स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई चलता ही नहीं, जिसके जो मन में आ रहा है वो करता चला जा रहा है। भाड़ में गई ऐसी स्क्रिप्ट। स्वामी आप डुबकी लगाने नहीं गए? तुम्हें देखकर मन में उमंग की लहरें उठ रही हैं प्रिये, तुम्हारे नैनों में डूबना चाहता हूँ। दो ताली तो पकड़ो। क्या चल रहा है ये सब? नदी पे गए थे, जल समाधि नहीं लिए क्या? जल समाधि? चारों ओर अकाल पड़ा है, धोने के लिए पानी नहीं है और तुम जल समाधि की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? एक जवाब दो। नदी में पानी नहीं है तो पत्नी के पास आकर उसे सताने का क्या मतलब है? बूढ़े हो गए हो, इतनी खूबसूरत पत्नी का करोगे क्या? छोड़ो से, हटो वहाँ से। सुनो, जवान होने के पहले नहीं, जवान होने के बाद वो मेरी पत्नी बनी। करेक्ट, मुझे करेक्शन। हेलो, मैं गौतम हूँ, मैं जो चाहे करेक्शन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं भी इंद्र हूँ, मैं भी जो चाहे करेक्शन कर सकता हूँ, समझे? लगता है पूरा मामला ही उल्टा करना पड़ेगा, अब मैं अहिल्या बनूंगा। What a beautiful bag. हाय तेरी। सबको एक ही जगह नजर आती है क्या? स्वामी आज आप तैरने नहीं गए क्या? इन दुष्टों के बीच तुम्हें अकेले छोड़कर तैरने को जाने का मन नहीं करता है प्रिये। कितने बड़े दिल वाले हो दगाबाज। स्वामी देवी, स्वामी देवी, स्वामी देवी, स्वामी कौन है? स्वामी आप स्नान करने नहीं गए थे क्या? हाँ गया था, लेकिन तुम पर मुझे पूरा डाउट था, इसीलिए मैं उल्टे पांव वापस आ गया। अच्छा, इसका मतलब तुम उसे मारोगे? अच्छी बात है, मारो मारो। उसे मारो, मैं मारो, बाद मारो। में मारूंगा, लेकिन पहले तुमसे तो पूछताछ कर लूं। क्यों रे, पिछले 25 वर्षों से तुम मेरे साथ गृहस्थी चलाती आ रही हो। हाँ तो? पति मैं हूँ और इस बाहर के आदमी के साथ मस्ती करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? रात के अंधेरे में। अंधेरे में पहचान नहीं पाई? मैं पहचान करवाता हूँ ना, अच्छी तरह से करवाता हूँ। मुझे मत मारो। अरे नहीं नहीं, अरे मर गया, अरे मर गया। अब मैं दर्शक बनूंगा, इस एक्टिंग की ऐसी की तैसी। अब देखता हूँ कैसे मारता है मुझे। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तो नादान है, पर हम पति पत्नी है ये तुझे तो पता है ना? तुम मुझे इसके लिए मारोगी? अरे वो तो तुझे मारेगी ही, उससे पहले मैं तुझे। नहीं नहीं नहीं, ए उठ इधर आ। एक्चुअली तुझे मार के फायदा नहीं प्यारे भास्कर जी। हाँ प्यारे, यहाँ क्या चल रहा है आप जानते हैं? जानता हूँ राजा। ओह, क्योंकि ये सीन लिखने वाला मैं ही हूँ। ये यहाँ जो बैठा है वो इस देवी का पति है क्या? नहीं। तो फिर आपका क्या किया जाए, तुम ही बताओ अहिल्या। यहाँ ये जो आया है वो तेरा पति नहीं है, ये चोर है इंद्र। और ये बताने के बजाय बैठ कर देख रहा है, अरे असली मार तो तुझे ही खिलानी चाहिए। क्या मतलब है? तुम गेहूं के साथ घुन बनाकर मुझे ही पीसते रहोगे क्या? ए भास्कर, तुम्हें कोई ना कोई पॉइंट में घुन बनाकर पीसेंगे, ये गारंटी। अरे इस देश में जितने भी गलत काम होते हैं सब तेरी वजह से ही तो हैं। अरे देख क्या रहे हो, चलो पीटो इसे। मैडम, इसने मेरा बैंड बजा दिया। मैडम मुझे बचाओ, मैडम मुझे बचाओ, मैडम ये आदमी मुझे मार डालेगा। मैडम अकेला बैट्समैन हूँ, 11 बॉलर है, सबके सब मुझे ही पीट रहे, मुझे बचाइए सर। मुझे तुमसे बात करनी है। ये तुम क्या कर रहे हो? उस भास्कर ने तंग आकर अगर ये शादी कैंसिल कर दी तो हम क्या करेंगे? तुम्हें चाहिए सरस्वती, लेकिन यहां रहती है सरस्वती प्रकाश। प्रकाश को कभी भी सरस्वती से दूर नहीं किया जा सकता, और सरस्वती कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हारे दादा ने मुझे खून के आंसू रुलाया था, मैं यहां बहुत खुश रहूंगी यही सोचकर यहां आई थी। प्लीज यहां आकर फिर से मुझे खून के आंसू मत रुलाओ, चले जाओ यहां से।
सच में तुम बहुत चूड़िया साड़ी लग रही हो। बिल्कुल मैचिंग है, देखो तो। क्या बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आ रहे होंगे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें ये शादी मंजूर तो है ना, फिर लड़के वालों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवा देना। अलार्म नहीं बजा मम्मी, उसके लिए इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? ठीक है जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या बताऊं जानीमन, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है इसलिए सारे ऑपरेशंस मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे पेशेंट आ गया है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, ये मेरी माँ ने भेजी है, ये लीजिए। मम्मी रुको, अपने रूम में नहीं है, उसका शादी का जोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब चंदू के साथ वो फरार हो गई है। ये तुझे कैसे पता? मेरे सामने चंदू को उसने आई लव यू बोला था। ये पहले क्यों नहीं बताया? जनरली सारी लड़कियां तो यही सोचती है ना कि लवर के साथ भाग जाएंगे और माँ बाप से दूर जाकर अपनी एक हैप्पी जिंदगी गुजारेंगे। तुम लोगों से कहा था कि उसे घर से बाहर निकाल देना, फिर कहाँ है वो अभी तक इस घर में है? अंकल यहाँ बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सिर्फ मैं जानता हूँ और किसी को पता नहीं, सब ब्लैंक है, इसलिए मैं लिंक में जोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप में से कोई फिल इन द ब्लैंक्स करेगा तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। यहाँ का चल रहा है वो सब हमारे सामने जल्दी बक, अगर तूने झूठ कहा ना तो यह पेड़ के नीचे तुमको गाड़ देंगे। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलना इस पेड़ को पसंद नहीं है, झूठ सुनते ही ये अपने पत्ते गिराने लगता है। पेड़ का पत्ता गिरने से तुम्हारा का मतलब? पेड़ का पत्ता झड़ जाएगा तो वो मर जाएगा, वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा। हम दोनों पति पत्नी की तरह है, सिर्फ मंगल सूत्र नहीं बांधा। अंकल मैं जो कुछ जानता हूँ सब बताता हूँ, गन नीचे करो। चंदू तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने कहा है घर छोड़ के चले जाओ। ठीक है तो हम भाग जाते हैं। कहाँ? मुंबई जाए। कैसे? ट्रेन से या फिर फ्लाइट से जाएंगे, होटल ट्रेवल डेस्क से पता चल जाएगा। hey, ये पत्ते क्यों झड़ रहे हैं यार, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। ये जो पत्ते झड़ रहे हैं ना वो आपके झूठ बोलने से नहीं, वो चंदू के इस रिमोट के प्रेस करने से झड़ रहे थे। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, मुंबई में काम की कोई कमी नहीं है, इंटीरियर डिजाइन से बनी हुई बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, मुझे वहाँ इंटीरियर डिजाइनर की जॉब मिल ही जाएगी, और तुम ड्राइवर की जॉब कर लेना और हम मजे से रहेंगे। और अगर कोई काम नहीं मिला तो ये है ना हमारे पास, इसे बेचकर पैसे मिल ही जाएंगे। इसका पैसा खत्म होने से पहले हमारा बच्चा हो गया तो समझ लो हम उसकी फोटो मम्मी पापा को भेज देंगे और तब वो फोटो देखकर वो हमें बुला लेंगे। क्या इरादा है? टिकट दे दो सर। मैं कहां से टिकट दूं तुझे? घर पे जाके ले ले टिकट। ओहो, अरे सर मेरी बात मान लो सर, जल्दी से टिकट दे दो नहीं तो ऊपर का टिकट काट देगा।
आपको इंग्लिश पढ़नी आती है? उसका एक एक पंच का पावर देख के हमको सारी की सारी भाषा याद आ गई। एए, तू अब चुप रहा। सर, फ्लाइट रेडी सर। फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, हम ट्रेन से चले जाएंगे। टिकट की जरूरत नहीं है मैडम, उनका खुद का अपना फ्लाइट है। सर, टिफिन और नाश्ता भी रेडी। चंदू। नहीं। ओके। चंदू एक ड्राइवर है ना? अब ये सब देखने के बाद ये सवाल कर रही हूँ तो मैं क्या जवाब? बॉस वो सब आ गए हैं। नारायण सर, 15 मिनट के अंदर मुझे ये स्टेशन चाहिए। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा सर? इतने छोटे रेलवे स्टेशन को खाली करवाने में क्या प्रॉब्लम है? पैसेंजर्स, ऑल्टरनेट व्यवस्था करो। जिन्हें जल्दी जाना है उन्हें फ्लाइट का टिकट दो। जहाँ फ्लाइट नहीं जाती वहाँ गाड़ियाँ भेज दो। ओके सर। रेलवे मिनिस्टर को फोन करो, स्टेशन मास्टर को मनाओ, नहीं माना तो डराओ। समय पे काम नहीं आया तो इतना पैसा होने का क्या मतलब? अभी जो मीटिंग होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नारायण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई वांट द स्टेशन एट एनी कॉस्ट। डू यू गेट इट? मेरी ही लड़की मिली थी क्या तुझे? पगार के लिए मेरे सामने हाथ फैलाते फैलाते तूने सोचा होगा कि एक दिन रिश्ते के लिए हाथ फैला देगा? तेरी औकात क्या है? ए, ड्राइवर के साथ भाग रही है तू? तू छोड़ उसे, मैंने कहा छोड़। किसने किसका हाथ थमाए देखकर बोलो सर। मुझसे जबान लड़ा था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक ऑर्डिनरी ड्राइवर से तू कैसे शादी कर रही है यह सवाल पूछा आपने अपनी बेटी से? तो एक करोड़पति को एक मामूली लॉयर से तू मेरी बेटी के साथ शादी करने की हैसियत रखता है यह पूछने का हक नहीं है? आपने डायरेक्ट शादी करके उनके घर जाके कह दिया कि हम पति पत्नी हैं, तो उन्हें कैसा लगा होगा? और आज आपकी बेटी एक कार ड्राइवर के साथ शादी के इरादे से भाग गई है, यह सुनकर ही आप आपे से बाहर हो गए हैं ना सर? जिस ड्राइवर से आपकी बेटी प्यार करती है, तैश में आकर उसी ड्राइवर पर गन निकालकर आपने तान दी है, प्यार यही है क्या सर? और उस इंसान ने उस अनजान शख्स पर गोली चलाई जो उनकी इकलौती बेटी के साथ शादी करके आया था, तो वो बेवकूफी थी ना सर? आपका प्यार प्यार है और उनका नाटक है। आपका आदर्श है और उनका आवेश है। आप पुकारे तो वो है दुलार और वो पुकारे तो अहंकार। आखिर कौन है तू? जिसे आप अपना बनाकर उस घर से यहां ले आए थे उसका भतीजा। किसी और की खातिर हमारा साथ छोड़कर चली गई, यही सोचकर दिन रात घुट घुट कर जीने वाले इंसान का बेटा। जो गई है वो लौट कर आएगी, इसी उम्मीद में मौत को भी इंतजार करवा रहे एक बूढ़े दुखी इंसान का पोता। हजारों करोड़ों की दौलत, लाखों से ज्यादा वर्कर्स, बेशुमार फैक्ट्रीज होने के बाद भी उन्हें पल भर का भी सुकून नहीं है। ग्रहण लगे चांद की तरह। बताइए क्या फर्क है दोनों में? आज इनके हाथ में गन है, उस दिन उनके हाथ में थी। उस दिन उन्होंने गलत किया था और आज आप गलत करने जा रहे हैं। छोड़ दो ना अपनी बेटी को, आने दो मेरे साथ। आज जो आप कर रहे हैं वो सही है, उस वक्त जो उन्होंने किया था वो भी सही था। अब तो गुस्सा थूक दो बुआ, चलो मेरे साथ अपने घर। ये बात मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं बुआ, इसमें दोनों की गलती है। उनकी गलती का एहसास उन्हें उसी दिन हो गया था, पर आपको अपनी गलती का एहसास अब तक क्यों नहीं हुआ? उस दिन जब आप घर छोड़कर आई थी तब आपके आंसू सभी ने देखे थे, रोने की आवाज हर किसी ने सुनी थी। एक पल के लिए भी अगर आपने पलट कर देख लिया होता तो 25 साल इस तरह जुदा नहीं रहते बुआ। छोटी,
मुझे मत रोको भैया, मैं आपके पापा पर केस नहीं करूंगी। पापा वो लोग जा रहे हैं। मेरा दिल तोड़ गई परवाने। बच्चा पैदा होते ही मर जाता है तो दुख कम होता है, लेकिन जिसे अपनी गोद में खिलाकर पाला पोषा, आज गुस्से में आकर मैंने उसी को मारने की कोशिश की। अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। पापा, मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे मरना होगा। संभालिए अपने आप को। क्या कर रहे हैं? नहीं, जानकी। जीवन का हर प्रॉब्लम प्यार से सॉल्व करना चाहिए, यही पापा ने सिखाया है। एक रास्ता प्यार का है और एक नफरत का। हम प्यार के रास्ते पर जीते आए हैं बुआ, और आप नफरत के रास्ते पर। एक बार हमारे रास्ते पर चलकर देखो बुआ। फूफा के बाह में गोली लगी, इसलिए आप घर छोड़कर हमेशा के लिए चलिए। मेरी मां की जान दादा के हाथों गई तो मैं उन्हें क्या कहूं? बरसों पहले जो गन उठाने की नौबत आई थी, आज फिर वही नौबत आई है। इसके जिम्मेदार आप ही है ना? कभी आपसे हो या दादा से हो, मैंने किसी बात को लेकर नफरत की है? बचपन में मैंने उनकी उंगली थामी है, बुढ़ापे में उनका सहारा बना हूं। आज उनके लिए वहां से यहां आकर मैंने आपके पास ड्राइवर की नौकरी की, आपका दरवाजा खोलने की गुलामी करते हुए खड़ा रहा किस लिए बुआ? एक बार उस घर में जाकर दरवाजा खटखटाइए, आपको खुला मिलेगा बुआ। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बचपन में मुझे मां से ज्यादा आपसे अपनापन मिला, प्यार मिला है, वो आप भूल गई हैं, मैं नहीं भूला। फिर मेरे मायके वाले सब मर गए, मैं अनाथ हो चुकी हूं, ये सोचकर आप वहां से चली आई। आप दोनों के अनबन में अनाथ आप नहीं हुई बुआ, अनाथ मैं हुआ। माँ को आवाज देता हूं तो पापा आते, बुआ को आवाज देता हूं तो दादा आते। बचपन में जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, और उसके बाद जब आप भी चली गई, तो आप पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था बुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आप मुझे छोड़कर चली गई, यही सोचकर अपने आप से लड़ने में ही मेरा पूरा बचपन चला गया बुआ। आज हम जिस घर में रहते हैं, जो भी हमने पैसा कमाया है, जो भी हम खाना खाते हैं, हर एक चीज में आपका हिस्सा अब तक रखा हुआ है बुआ, हर चीज पर आपका हक है। दिल से एक बात कह रहा हूं, आपके साये पर भी किसी और का साया ना पड़े, इतने लाड़ प्यार से रखूंगा। आप अपने गुस्से को थूक दीजिए बुआ, हम पर एहसान कर दीजिए। बरसों पहले हुई एक भूल के लिए 25 साल से आपको सॉरी कहते आ रहे हैं बुआ, सॉरी कहते आए हैं, हमारी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। या तो हमें माफ कर दीजिए, या तो सजा दीजिए। एटलीस्ट मैं आपका अपना हूं, ये मानिए तो सही। प्लीज मुझे अपना लो, अपना लो। वो
पापा से बात करने को कहा। हर जगह सर उठा करके रखना कोई महानता नहीं होती, जहां सर झुकाने की जरूरत हो वहां झुकाना भी चाहिए। एक बच्चे को मां की गोद मिल गई। सच में वो दादा है? दादा नहीं, कर्ण है। ए, तुम उसे कर्ण कह के उसकी बड़ाई कर रहे हो? उसने मेरी मम्मी के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया। मम्मी के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे लिए उसने मम्मी का इस्तेमाल नहीं किया ना। चलो छोड़ो ना। ए, तुम सबको ना। ये बताओ, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है? या नहीं, करवाया है। भास्कर? शॉक लगा ना? लगना ही चाहिए। स्टोरी तुम्हारी हो सकती है, मगर क्लाइमैक्स मेरा होगा। तू क्या, तेरे जैसे 100 लोग भी आके धमकाएंगे तो भी वो डरने वाला नहीं है। एक बात सुन ले, जेब में बॉम्ब रखकर सोएगा तो सुबह जिंदा रहने का चांस रहेगा, लेकिन अगर उससे टकराएगा ना तो जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। भास्कर, मैं नहीं मानता। कट आउट देखकर कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बात माननी पड़ती है। डोड है, किससे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मुझे इसे कोई बात नहीं करनी है, बाहर निकालो इसे यहाँ से। अमेरिकन एक्सप्रेस चेक, कैश हवाई जहाज की तरह तुम्हारे घर पे खुद आया है। भले ही मेरा एक गोल्ड का माइन चला जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। युगांडा में चल रहे सारे प्राइवेट माइंस को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेने का नया आदेश जारी किया है। खबरें विस्तार में। ये तो फिल्म दिखा रहा है, मुझे लगा कि भगवान का कोई भजन होगा। ये कौन सा चैनल लगाया, कौन सा लगाया? सर धुन तो भजन के, लेकिन उन्होंने इस पे ऐसा फिल्म आया है। उस झूठे स्वामी के पास ले जाकर तुमने मुझे धोखा दिया ना। माना कि वो स्वामी धोखेबाज थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी तीनों ख्वाहिश पूरी की कि नहीं, जरा सोच कर तो देखो। नंबर वन, वो शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई। नंबर सेकंड, वो जिसे हद से ज्यादा चाहती है उसी को मिलेगी दुर्योधन, आज वो शादी भी उन्हीं के साथ कर रही है। नंबर थ्री, मेरा माइंस डायमंड्स, करेंसी एरोगेंसी, फ्यूचर ग्लैमर, ये सब मेरे पास बरकरार है। जो कुछ भी तेरा है वो तेरे जीवन के अंत समय तक सिर्फ तेरा ही रहेगा। शकुनी सर, आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के खर्चा काट के सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हैं सर। इतनी बड़ी कंपनी का आपके पोते को CEO बनाकर ऐसी जिम्मेदारी देना मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा। कंपनी की भलाई के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, बिकॉज आई हैव 60% शेयर ऑफ दिस कंपनी। 40% सर, बाकी 20% शेयर की मालकिन आपकी बेटी सरस्वती है, लेकिन वो आई नहीं और आएगी भी नहीं। सरस्वती, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं भार्गव को CEO की पोस्ट देना चाहती हूँ। डू यू हैव एनीथिंग टू से? No. The devil is back.